सो वेलकम टू इन द थर्ड एपिसोड ऑफ आईबीएक्स पेंट फुल कोर्स। भाई यहाँ पे फुल कोर्स आपको मिलेगा, मतलब कि आईबीएक्स पेंट के में आपको सब कुछ, जो भी चीज़ें टूल्स हैं सब कुछ पता लग जाएगा, आप एक तरीके से मास्टर हो जाओगे आईबीएक्स पेंट के। तो उसके थर्ड एपिसोड में हम बेसिक टूल्स के बारे में हम जान रहे थे, तो फिलहाल के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई क्या कर रहे हो, इतना नहीं कर सकते भाई के लिए, तो सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो आज हम बात करेंगे जो ऊपर जो एक टॉप कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में जो चार डब्बे हैं, जो चार सर्कल्स हैं, जो टूल्स हैं, इनका क्या काम है। तो भाई इसका जो पहला टूल है ना, बहुत काम का है, बहुत ही काम का है। तो ये क्या है, आज तक हमने जो भी सिलेक्शन के बारे में सीखा है सारा ऑपरेशन यहीं से होता है। तो ये क्या है, यहाँ देखो, आपको इसको जब टैप करोगे तो इसके मिलेंगे आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे। जो पहला है रिमूव सिलेक्शन एरिया, इन्वर्स सिलेक्शन एरिया, क्लियर लेयर, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं सिलेक्ट ओपेसिटी से। अभी सिलेक्ट ओपेसिटी क्या है, तो अभी क्या आपको मैं दिखाता हूँ, रेड कलर वाले लेयर को मैं सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। अब मैं ऊपर जाऊँगा और सिलेक्ट ओपेसिटी करूँगा, तो उसने रेड वाले को सिलेक्ट कर लेना है। अभी क्या काम कर रहा है आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने इसका नाम क्या है, सिलेक्ट ओपेसिटी, मतलब कि जो इस लेयर में ओपेसिटी है, ओपैक है, जो ओपैक जो दिख रहा है, जैसे कि इस लेयर के जो थर्ड लेयर है इसमें जो भी कुछ दिख रहा है भाई, उसको सिलेक्ट कर लो। कोई भी ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी कुछ है, जैसे कि अभी मैं देखो ये थर्ड लेयर है, तो सिंपली अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, रिमूव सिलेक्शन नहीं करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लो थोड़ा सा साइज बड़ा करके ये ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस लेयर में क्या होगा, कि रेड कलर होगा और ये ऑरेंज कलर का जो भी है ये हो गया है। तो उसका क्या मतलब था, सिलेक्ट ओपेसिटी, जो भी इस लेयर में दिख रहा है ना उन सबको ही सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट ओपेसिटी, अब इसने इस गाजू माजू को भी कर लिया है और इस रेड को भी सिलेक्ट कर लिया है। मेरे को ऐसे बाय, मतलब कि खुद से अपनी उंगलियों से घिसने की जरूरत नहीं है, इसने खुद ही कर लिया सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका जो नेक्स्ट काम है। और सिंपल से जो इसका फर्स्ट वाला जो टूल है रिमूव सिलेक्शन एरिया, आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसको डिलीट कर देगा, ठीक है ना। अब उसके बाद इसको मैं अंडो करता हूँ, सिलेक्ट रहने ही देता हूँ। जो नेक्स्ट इसका क्या है, इन्वर्ट सिलेक्शन एरिया, ये जो है ये क्या करेगा, उस एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। जो आपने एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है ना, उसको छोड़ के बाकी सब सिलेक्ट करेगा। जैसे कि इसको मैंने इन्वर्ट किया, तो इसने रेड वाले को और इसको छोड़ के, इस जलेबी को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है क्लियर लेयर, ये लो। अब ये क्या हुआ है यहाँ पर, आप बता सकते हो, मैं क्लियर लेयर यहाँ पे क्लियर लेयर पे टैप कर रहा हूँ, लेयर जो है क्लियर क्यों नहीं आ रहा है। ये सेम यही काम करता है, कहाँ पर हमने देखा था, कहीं तो देखा था किसी टूल में, मैजिक वैंड में, हाँ मैजिक वैंड में, या बहुत से टूल्स में हमें मिलता था आपको रिमूव, जो उसको लेयर को क्लियर करने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी आपको मिलता पहला वाला क्लियर लेयर, अब वहाँ पर भी मिल रहा है आपको, ये यहाँ पर भी मिल रहा है, पर जब भी मैं टैप कर रहा हूँ ये क्लियर क्यों नहीं कर रहा, कोई बता सकता है मेरे को। अगर यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि भाई ये इस तरीके से इसलिए नहीं हो रहा है, मुझे रीज़न बताओ, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ आपको, तो बताना तो है ये मुझे। तो अब देखो, मैंने इस रेड वाले को लिया था, अब मैंने क्या किया था यहाँ से, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा आपको, आपके लिए तो सॉरी भाई, मेरे पास अभी टाइम है, आज का ही टाइम है इसको रिकॉर्ड करने का, इस वीडियो को, ये तो कॉलेज मेरे स्टार्ट है। तो अभी क्या, यहाँ पे इन्वर्ट लेयर सिलेक्शन किया था हमने, ठीक है ना। इन्वर्ट क्या किया था उसने, रेड वाले को छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। तो अब जब मैं कर रहा हूँ क्लियर लेयर, तो उसने रेड वाले को छोड़ के बाकी जो भी है उसको क्लियर कर रहा है, पर वो जो क्लियर कर रहा है उसमें तो क्लियर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आपको नहीं समझ आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। अब उसने रेड वाले को सिलेक्ट किया है, अब मैं ये चिड़ियों, तो जब भी मैं इसको क्लियर लेयर करता हूँ, तो अब देखो अब काम किया उसने, ये रेड के कार, सॉरी ये जो है ये बैकग्राउंड में था, जो ये संतरे कलर का लाइन है ये बैकग्राउंड में था इसलिए वो आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो इसका, अब जो पर्पस था क्या था, जो भी सिलेक्शन है उसको क्लियर करना। तो इसको मैं क्या करूँगा, अंडो कर देता हूँ, मेरे को क्लियर नहीं करना है, ठीक है ना, इतना समझ गए आप। तो अभी नेक्स्ट वाला था सिलेक्ट ओपेसिटी को आपने जान लिया, कट को मैंने कट कर दिया, अब वो क्या हुआ, जो भी सिलेक्ट था उसको उसने कट कर लिया, ठीक है। अब एक मैं लेयर ले लेता हूँ यहाँ से, एक अलग लेयर ले लेता हूँ, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ,
तो वो चीज़ वहाँ पर पेस्ट हुई। जैसे हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, वही काम है यहाँ पर इसका, ठीक है ना। इसको मैं अंडो करता हूँ, अंडो अंडो अंडू हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टूल देखते हैं, कॉपी का लग गया बात। आपको कॉपी क्या करेगा, कट नहीं करेगा, कॉपी करेगा, मतलब उसको इरेज नहीं करेगा। जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, किसी को कॉपी पेस्ट करते हो ना मैसेज, वही काम होता है इसका, सिंपल सी बात है। पेस्ट का आपको मतलब पता लग गया। अब मैं एक चीज़ और बताना था आपको, आपको बताना था कि इस लेयर में सिलेक्शन लेयर का क्या, इसका क्या काम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अंडो करते हैं। तो भाई जो ये लेयर है, ठीक है ना, इस लेयर में क्या होता है कि ये सिलेक्शन लेयर दिखाते हैं। जैसे कि अभी मैं सब कुछ अंडो करता हूँ, सभी इस लेयर को हटा देता हूँ। अभी मैं किसी भी टूल से, जैसे कि इस टूल से, कौन सा था, ये लैसो टूल है ना, लैसो टूल से मैं इतना एरिया सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी दिखाएगा मेरे को, ठीक है, एरिया यहाँ दिखा रहा है ना। जब तक, जब जैसे ही मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, वो किसी अनदर एक ना ब्लू कलर के लेयर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि इस लेयर में मैंने सिलेक्ट किया, अब वो दिखा रहा है कि मेरे को ये एरिया मेरा सिलेक्टेड है। अब मैं उस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो चीज़ गायब हो जाएगी। ये जैसे आपको दिखाने के लिए है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। अब खुद से ट्राई करोगे तो बहुत आसान चीज़ है ये। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इसका एक और यूज़ दिखाता हूँ। तो मैं सिंपली रिमूव सिलेक्शन एरिया करता हूँ, रिमूव कर देगा। अभी क्या कि मेरे को किसी भी टूल का यूज़ नहीं करना, किसी भी टूल का यूज़ करके सिलेक्शन नहीं करना, मेरे को ब्रश टूल का यूज़ करके, एरा ब्रश, फिर सिलेक्शन करना है। क्योंकि मेरे को डिटेल में कोई चीज़ को, बहुत सी डिटेल में जूम करके किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो कैसे करूँगा मैं क्या करूँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन लेयर वाले इस लेयर को सिलेक्ट करके मैं जूम करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं सोचो कि यहाँ पर अपने नाम का सिलेक्ट, डी कुछ भी करता हूँ यहाँ पे, देखो, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, रैंडमली कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वैसे नहीं कुछ कर रहा मैं कि कुछ ये लो। अभी मेरे को क्या किया कि इस जो लेयर है ना, ये सिलेक्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने पेन से एक ब्रश लिया या पेन लिया, उस पेन से जहाँ भी मैं ड्रॉ करूँगा वो चीज़ सिलेक्ट हो रही है, और सिलेक्शन है मेरा, ड्रॉइंग नहीं हो रही हो किस। आप ये चीज़ किसी भी ब्रश शेप में ले सकते हो, जैसे कि यहाँ से मैं, अरे बहुत सारे ब्रश मिलते हैं आपको, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला ब्रश है, अब मेरे को चाहिए कि इसी शेप में सिलेक्शन हो, तो ये लो, ये क्या है, ये ड्राइंग नहीं हो रही है, इस शेप में सिलेक्शन हो रही है। अब साइज बड़ा करके ये लो, ये ड्राइंग नहीं है, ये सिलेक्शन है। कैसे दिखाता हूँ, जब मैं इस लेयर में आऊँगा तो ये देखो, वो क्या, उस शेप में उसने सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैंने बहुत जितनी पिछली वीडियो सिलेक्शन के बारे में बताया, अब इन सिलेक्शन टूल्स का काम क्या है, ठीक है ना, वर्किंग क्या है, तो आपको बताता हूँ मैं। अब ये जो चीज़ है सिलेक्टेड है, तो अभी मैं क्या करना है मेरे को, इस सिलेक्शन में क्या कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक ब्रश लिया, सिंपल ब्रश लेता हूँ मैं, तो पहला ब्रश कोई भी ब्रश ले लेते हैं, चलो ये वाला ब्रश ले लिया मैंने। अब मैं साइज बड़ा करके मेरे को इसमें ड्राइंग करनी है, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ड्राइंग होगी ही नहीं, जो मर्जी कर लो, ये ड्राइंग सिर्फ इस एरिया में होगा, देखो, ठीक है। और दिखाता हूँ, एक और जादू दिखाता हूँ, वो क्या था, एक चक्री सी थी ना, वो उसी शेप में ड्राइंग होगा, देखो मेरी बात को समझिए, जो सिलेक्शन एरिया है वही एरिया सिलेक्ट होगा। और जो सिलेक्ट करने का काम है बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही अच्छे से काम करता है ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सिलेक्शन का काम क्या और इस लेयर का क्या काम है। तो इन सबको मैं अंडो करता हूँ, तो आपको इतना कुछ समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट वाला टूल है ये इतना काम का तो नहीं है, बट हाँ कहीं कभी कभी ये बहुत काम आता है। आपका जो सेटिंग है उसको वैसे ही रहने देना है। और नीचे आपको देखो यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है आपको ड्रॉइंग टूल, ठीक है ना। तो ड्राइंग टूल में क्या मिलता है, आपको लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक डब्बल ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ओवल या एक्लिप्स नहीं होता सॉरी, यहाँ पे एक पॉलीगन भी कर सकते हो, या एक ऐसे, ये जो दो टूल हैं ये काम की हैं, ठीक है ना। एक है कर्व टूल, बीजर कर्व टूल, तो यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको फिल करना है या एक स्ट्रोक मारना है, तो मेरे को फिल करना है फिलहाल के लिए। और यहाँ से मैं अब दिखाता हूँ आपको, मैं ये देखो, मैं सिलेक्शन वाले में था, वो सिलेक्ट कर रहा था, मैं इस लेयर में आता हूँ,
अब देखना, एक पेन टूल की तरह काम करता है, ठीक है ना, समझ गए। मैं इसको डिलीट करता हूँ सब कुछ ही, मैं साइज को छोटा कर देता हूँ, अब देखना, ठीक है। इट इज लाइक अ पेन टूल, बट वो परफेक्ट टूल नहीं है, पेन टूल वाला जैसे जैसे काम करता है ना पेन टूल, ये वो चीज नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ तो वैसा ही है ये, ठीक है ना। तो इसका काम यही है कि आप कोई भी शेप बना सकते हो अपने हिसाब से, बहुत ही आसान तरीकों से, जैसे कि पेन टूल में काम होता है हमारा। इसको मैं डो करता हूँ। जो नेक्स्ट टूल है हमारा, ये भी बहुत काम का है, बट ये जैसे कि ये कर्व बनाता है, ये क्या करता है सिंपल, ये एक लाइन बनाता है, जैसे कि यहाँ किया मैंने, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, एक लाइन वाला ड्राइंग ही करेगा ये, ठीक है। तो इसका काम ये है। तो जो नेक्स्ट टूल है ये वाला टूल, ये भाई इसको डिलीट हो जा पहले, हो जा हो जा हो जा। तो जो नेक्स्ट टूल है, कहाँ गया ये वाला टूल, ये होता है अलाइनिंग के लिए। जैसे कि आपको ये देख लो, आपको जब कोई ड्राइंग कर रहे हैं ना, बहुत ही डिटेल में काम करना होता है, ये तब काम आते हैं, अभी अभी के लिए का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इनको छोड़ो, मैं तो कहता हूँ रहने दो अभी फ़िलहाल के लिए। ये बहुत डिटेल में ड्राइंग करते हैं ना जब हम, ये तब काम आती होती है, जैसे कि पर्सपेक्टिव के लिए, जब हम पर्सपेक्टिव वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हम खुद आपको पता लगेगा कि काम क्या करेगा। तो इन फिलहाल के लिए इनको इग्नोर मारो, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगा हमारे लिए, तो इनको हम छोड़ते ही हैं। जो नेक्स्ट वाला टूल है वो हमारे इंटरनेट से काम करेगा, हमको इंटरनेट चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्सचर्स वगैरह, जैसे कि आपको मिल जाता है ट्रेसिंग के लिए, देखो इतनी सारी बॉडीज मिल रही हैं, जैसे आपको कुछ बनाना है ना, तो एक जैसे कि आपको कोई चीज़ ड्राइंग करनी है, तो यहाँ पर बहुत सारे बॉडीज मिल जाते हैं, प्री स्केच हैं, पहले से बने हुए हुए आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टेक्सचर्स मिल जाते हैं बहुत सारे, क्लोथ के पैटर्न मिल जाते हैं, यहाँ से आप किसी चीज़ को सेव करके या स्टार करके रख सकते हो। तो भाई ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपको ड्राइंग करनी है तो उसे देख सकते हो। यहाँ पे आप हैंड की चीज़, हैंड की ड्राइंग मिल जाती है ट्रेसिंग के लिए। तो ये यार मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है यहाँ से, सॉरी क्या हो गया, तो वन ऑफ द फेवरेट टूल है मेरे लिए, बहुत काम आता है मेरे के लिए। आप देख सकते हो जैसे कि एक कुछ करेक्टर्स भी मिल रहे हैं यहाँ से, देखो दिखाता हूँ आपको मैं।